ड्रीम इलेवन और माई इलेवन सर्कल जैसे कई ऐप के माध्यम से लोग पैसा डाल रहे हैं और पैसा जीत भी रहे हैं। अभी इंडिया में आईपीएल मैच चल रहा है, इसमें कई लोग पैसा डाल रहे हैं। पिछले सीजन में भी जसपुर से एक लड़का जीता था 1.5 करोड़, और अभी भी एक लड़का जसपुर से जीता है 3 करोड़। जाके दिखाता हूँ कैसे जीता है और किस टाइप से खेला और इतना पैसा जीता, इसके बारे में हम उनसे मिलके ही बताते हैं। हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी खबर है जसपुर वासियों के लिए। हमारे जसपुर में एक और अभी ड्रीम इलेवन से जीता है 3.5 करोड़। इससे पहले एक जीता था महादेव राम, उसका वीडियो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, उसने जीता था 1.5 करोड़। अभी जस्ट डबल जीता है भाई, लोग बता रहे हैं कि 3.5 करोड़ जीता है भाई ड्रीम इलेवन सर्कल से। अभी आपको पता ही होगा जैसे हमारे इंडिया में आईपीएल मैच चल रहा है, इसमें सारे भाई लोग लगभग पैसा डाल रहे हैं और जीत रहे हैं। हम ले चलते हैं डायरेक्ट, राकेश तिग्गा नाम का शख्स जीता है। भाई लोग बता रहे हैं कि हमारे जिम का भी मेंबर था, पहले जिम करने आता था। जाके मैं मिलाता हूँ राकेश तिग्गा कौन है। हमारे साथ है अभी प्रफुल्ल भाई, प्रफुल्ल भाई के साथ जाएंगे अभी। चलो हाय दोस्त, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वो जीत चुका है कि नहीं जीता है वो तो हम आगे जाके वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन हमको लगता है कि रियल है। क्या है कि पूरा जसपुर में जो है ना, ये खबर जो है पूरा फैल चुका है कि वो 3 करोड़ रुपया जीत चुका है। तो अभी हम लोग सरोज भाई के साथ में जाते हैं घर, उसके बाद दिखाते हैं कि रियल है या फिर कोई कहानी है। तो हम ठीक है सरोज भाई, चलिए चलिए जाते हैं। बाकी मैं भी आज गांव गया था, रास्ते में था उसी टाइम भाई लोग बहुत फ़ोन कर रहे हैं, आप मिले नहीं भाई, आपके जसपुर से जीता है 3.5 करोड़। तो उसी टाइम से मैं अभी घर नहीं गया हूँ, मैं अभी फ़िलहाल जसपुर के रानी बगीचा में ही हूँ प्रफुल्ल भाई के पास, और दोनों चलते हैं प्रफुल्ल भाई से मिल के और दिखाते हैं 1.5 करोड़ जीता है, उनसे मिलवाते हैं। अच्छा, इधर से भी रास्ता है, इधर से भी रास्ता है। हाँ, सामने में अच्छा वो पीला घर। अच्छा, वो ड्रीम इलेवन में जीता है बोलते हैं, जीता है पैसा? ये जीता है, खर्चा करूंगा बोला है, यही यही खर्चा करेगा। चलो ठीक है, देखिए इसी में जाना है पीछे। चलो इधर से रास्ता है ना, चल ठीक है। उसके बाद पाया मुड़ जाना, आगे जाके जाओगे ना, वो बगीचा तरफ ना, बायां सीसी में मुड़ना, तो फर्स्ट वाला तो घर है। हाँ अच्छा, एक ही राकेश तिग्गा है ना कि और दो तीन है? एक ही है। पापा यही नगर सेना में था, रिटायर हुआ है। तो अच्छा, पापा नगर सेना में था, रिटायर हुआ है अभी ना। ठीक, तो नींबू ले लेता हूँ यहाँ से। ये भाई यहाँ पे आजकल दुकान लगाते हैं, नींबू का दुकान और तरबूज का दुकान। नया दुकान लगाया है भाई तरबूज का? नया। अच्छा, मीठा तरबूज है? मीठा। ये हाईस्कूल ग्राउंड के जस्ट बगल में ये तरबूज का दुकान है। क्या लेने आए हैं आप? मैं तरबूज लेने आई हूँ। तरबूज लेने आए हैं? यहाँ का बहुत मीठा तरबूज, मीठा तरबूज लेके आए हैं भाई ना। चलिए ठीक है। और भाई आप लोग भी पैसा डाले हैं? कौन डाला पैसा? कौन जीता है भाई पैसा? कौन जीता है पैसा बता दो। कौन जीता है पैसा? भैया लोग बता दो। कौन जीता है? कौन जीता है? तो भैया लोग 10-20 हज़ार रुपया जीता। नहीं, जसपुर को कोई जीता बता रहे ना, 3.5 करोड़। हाँ वो तो नहीं जान रहा हूँ। बता दो ना, कौन जीता है बताना, बताई दिन पे यूट्यूब में आवे तो। और भाई आप लोग भी डाले हैं पैसा ड्रीम इलेवन में? डाले हैं। सोच रहे हैं 1 करोड़ जीत जाए हम लोग। अभी जीता है ना जसपुर का कोई, क्या नाम है? पुराना नगर का जीता है राकेश तिग्गा। राकेश तिग्गा जीता है ना 3 करोड़ लगभग कुछ जीता है। अच्छा। लोग बोल तो रहे हैं। क्या बताऊं, ठीक है जाके मिल जाओ, जाके मिलता हूँ राकेश तिग्गा से। ठीक मिलिए। ठीक है, आप लोग डाले हैं आज पैसा? डाले हैं, लगाए हैं। लगाए हैं ना? हाँ। चलिए ठीक है, शुभकामनाएं आपको। ठीक ठीक। हम लोग अभी गाँव से जसपुर के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में देखे कि यहाँ पे पूरे जंगल में आग लगी है। आप देख सकते हैं पूरे जंगल में आग लग चुकी है यहाँ पे। सोकड़ा का जंगल है,
जंगल में आग लग चुकी है, देख सकते हैं आप, ये सोगड़ा का जंगल है। हम पहुंच चुके हैं राकेश तिग्गा का घर के पास, अंदर जाते हैं। ये है राकेश तिग्गा का घर, आप देख सकते हैं अभी शाम का वक्त है, सब लोग घर में हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा फ्लावर लगाए हैं, गार्डनिंग किए हैं। इनके डैडी नगर सेना में कार्यरत थे, अभी रिटायर हैं ऐसे बता रहे हैं लोग। सो फ्रेंड्स, हम राकेश तिग्गा से मिल के आ गए हैं और राकेश तिग्गा बताए कि अभी अपना अकाउंट वेरीफाई नहीं हुआ है, इसीलिए वो वीडियो में आने से मना किए। अभी मत बोलो भाई, अभी वेरीफाई होने दीजिए, ऐसे बोले ना प्रफुल्ल भाई? हाँ हाँ वैसे ही बोले, सेम वैसे बोले कि अभी वेरीफाई नहीं हुआ है करके। अभी सोमवार मंगल तक वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद में वीडियो बनाना, अकाउंट में कुछ पैसे आ जाने तो उसके बाद बनाना तो अच्छा रहेगा, लड्डू उड्डू खिलाऊंगा ऐसे करके बोले हैं। बाकी सोमवार या मंगल को मिलते हैं दोबारा उनसे और अच्छे से वीडियो बनाते हैं उनका, अकाउंट वेरीफाई होने के बाद में। ठीक है प्रफुल्ल भाई, ठीक है भाई, ओके फ्रेंड्स। बाकी जैसे ही उनका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद में दोबारा मिलेंगे और बताएंगे कि किस किस टाइप से पैसे लगाए थे और पैसे का क्या किए, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और बाकी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, बाकी हम उनसे ज़रूर बनाएंगे और ज़रूर बताएंगे। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आज के लिए बस इतना ही, बाय।